नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके सामने हमेशा की तरह दो नंबर हैं, दो पिक्चर्स हैं, नंबर वन नंबर टू। आपको इनमें से कोई सी भी एक पिक्चर सच्चे मन से चुननी है, अपने दिल से चुननी है, और फिर देखते हैं आपके आने वाले समय में आपको क्या खुशियाँ मिलने वाली हैं। एंड डियर, जर्नल रीडिंग है, आपको पता है कि जर्नल रीडिंग है, अगर आपसे कनेक्ट होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है किसी वजह से तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। आप हमारी आने वाली वीडियो देखिएगा या फिर जो पहले से वीडियो अपलोडेड है आप वो देख सकते हैं, वो आपसे ज़रूर कनेक्ट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने नंबर वन चुना है उनके लिए। तो हेलो डियर, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। एंड डियर, खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो समझिए कि इस दुनिया में कोई भी पर्सन आपसे प्यार नहीं कर सकता है। पहले अपनी खुद की इम्पोर्टेंट समझिए अपनी लाइफ में कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं खुद के लिए, है ना। बाद में कोई किस आपको क्या समझता है क्या नहीं वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आपको खुद अपनी इम्पोर्टेंट समझनी होगी कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं खुद के लिए। तो किसी को ये हक मत दीजिए कि कोई आपको ये कहे कि आप ऐसे हैं आप वैसे हैं, है ना। आप अपने लिए बहुत अच्छे हैं और भगवान ने आपको बनाया है, तो समझिए कि कोई सोच समझ कर बनाया होगा, भगवान कभी गलतियां नहीं करते हैं। तो अपने अंदर से ये बात निकाल दीजिए कि आपके बारे में कोई क्या सोचता है क्या कहता है, जो कहता है कहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। एंड यार, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या खुशियाँ लेकर आए हैं भोलेनाथ जी। ओके, देखिए डियर, आपकी लाइफ में है ना अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, मैरिड लाइफ में है ना, आपकी मैरिड लाइफ अभी सही नहीं चल रही है। एंड ये नंबर वन की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी मैरिड हो चुकी है ना, उनके लिए है। तो या फिर अभी जिनकी मैरिड होने वाली है उनके लिए, देखिए समझ सकते हैं आप कि उनके लिए नहीं है, क्योंकि देखिए शिव जी भगवान, माता पार्वती एंड कार्तिकेय और गणेश जी की पिक्चर को आपने चुना है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो मैरिड हैं, मैरिड कपल हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए डियर, आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, आपके हस्बैंड जो हैं आपको इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं मानते हैं, सुनते नहीं हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बार बार आप मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं मिल रहा आपको, है ना। ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है क्योंकि आपने आप सच्चे दिल से उन्हें प्यार करते हैं, आप एक बहुत सच्चे इंसान हैं। एंड आपके पार्टनर, आप देखिए आपके पार्टनर में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ना दोनों के लिए है रीडिंग, तो कोई स्पेशली मेल या फीमेल के लिए नहीं है, दोनों के लिए ही है। तो आपके जो पार्टनर है ना, इस वक्त आपको बहुत समझिए कि बहुत ज़्यादा आप उनकी वजह से परेशान हो रखे हैं, ना आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपकी नहीं सुनते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात भी है कि उनका कहीं ना कहीं बाहर कोई चक्कर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। या तो देखिए, कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जिनके साथ सच में ये सिचुएशन हो रही है ना, कि थर्ड पार्टी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं आप में जो सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। तो देखिए, आपकी जो ये कन्फ्यूज़न है, जो अभी आपने कन्फ्यूज़न क्रिएट की हुई अपने माइंड में थर्ड पार्टी को लेकर, ये ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ से, थर्ड पार्टी रिमूव होने वाली है। और जिन पर्सनस के थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है और उन्हें शक है कि भाई थर्ड पार्टी है रिश्ते में, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि उनकी ये जो शक है ये दूर हो जाएगा आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर। भोलेनाथ जी चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ हमेशा के लिए अच्छी हो जाए, कोई भी दुख परेशानी ना रहे। एंड आपके पार्टनर जो बिजी हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो भी पहले की तरह आपसे प्यार करने लगेंगे, आपको टाइम देंगे एंड हमेशा आपके साथ रहेंगे। क्योंकि देखिए डियर, वो चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा बिजी हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में शक आना ये बात सही भी है कि शक आएगा, लेकिन डियर आप उन पर विश्वास कीजिए, है ना, भरोसा कीजिए और ख़ुद की इम्पोर्टेंस को समझिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ऐसा मान लिया है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है जिससे हमारा पार्टनर हमसे दूर हो गया है ना। तो अब आने वाले 2 से 3 हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी मैरिड लाइफ के लिए आपकी सारी समस्याएं दूर करेंगे भोलेनाथ जी। रीडिंग कनेक्ट हो रही हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू डियर। अब बात करेंगे जिन्होंने नंबर 2 चुना है।
वाओ डियर, आपके लिए बहुत अच्छा नंबर चुना है आपने। एंड आज हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ को लेकर। ये रीडिंग उनके लिए है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पार्टनर उनको इग्नोर कर रहे हैं अभी, है ना। काफ़ी टाइम से दिल में बहुत ज़्यादा टेंशन है, कि दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है कि कहीं कुछ ऐसा गलत ना हो जाए, कहीं मूव ऑन ना हो जाए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, मूव ऑन करने का डर हो रहा है। एंड कभी कभी आपका भी मन करता है कि यार इतना सब कुछ हो गया, चलो मूव ऑन कर लेते हैं एंड न्यू बिगनिंग करते हैं अपनी लाइफ में। तो डियर ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए डियर मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को देख सकता है ना, दोनों के लिए है। तो जो आपके पार्टनर हैं डियर, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि करियर पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो, इसीलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं डियर। सेम यही सिचुएशन है कि उन आपके पार्टनर को भी ऐसा लगने लगा है कि आप उन्हें समझते नहीं हैं। एंड कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, उनकी फीलिंग्स को समझें। एंड वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, इस बात को भी आप समझें। आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं तो आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए डियर। वो आपके अलावा कहीं और भी किसी के साथ भी नहीं रह सकते, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपसे कितना भी दूर रहें, कुछ भी करें, लेकिन हमेशा आपको प्यार करेंगे, है ना, हमेशा आपसे प्यार करेंगे, आपके बिना कहीं भी नहीं रहेंगे। उन्होंने ना एक बात को अपने मन में बैठा लिया है कि आप उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन यार उन्हें ऐसा लग रहा है कि करियर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर करियर में कामयाबी मिल गई तो फिर आप दोनों की लाइफ पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आप दोनों मतलब खुश रह सकेंगे, है ना। तो उन्हें ऐसा लगता है, इसलिए वो करियर पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको भूले नहीं हैं, तो ये टेंशन मत ले लाइए अपने दिमाग में कि वो आपको भूल गए हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर आपको इग्नोर इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि बिल्कुल आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर रिप्लाई करते हैं या फिर मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो आप उनसे पूछोगे कि आपने ऐसा क्यों किया, या फिर आप उनसे लड़ोगे ज़रूर, कि मतलब लड़ाई करोगे कि आप मुझे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं करते हैं, ये वो कर, है ना। तो इस बात से भी उनका मन डरता है कि लड़ाई झगड़ा होगा माइंड। फिर एक जानते हैं आप, लड़ाई झगड़े के बाद एक दूसरे की तरफ से कुछ ना कुछ बातें ऐसी निकल ही आती हैं जो एक दूसरे को हर्ट कर जाती हैं। तो वो सिचुएशन नहीं चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो सोच रहे हैं एक बार कामयाब हो जाएं फिर आपको मना लेंगे, क्योंकि आप तो उन्हीं के ही हैं ना। तो उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें कॉन्फिडेंस है, पूरा भरोसा है आप पर कि आप उनसे प्यार करते हैं, उन्हें छोड़कर आप कभी नहीं जाएंगे। तो यही कॉन्फिडेंस, यही भरोसा आप अपने ऊपर भी रखिए कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चिंता मत कीजिए डियर, बहुत अच्छा समय है, इस समय को मत गवाइए। अपने प्यार पर भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए। एंड ये रीडिंग कनेक्ट हुई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच डियर, थैंक यू।